हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड। पूछ रहा है बच्चों, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, जो केमिकल स्पीशीज में जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टुगेदर होल्ड करके रखता है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जैसे कि एटम्स हो गए बच्चों, आयन्स हो गए, ये सब। ओके बच्चों, तो उसको बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, जैसे कि आपका केमिकल बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों। ओके, जैसे H2 के अंदर होता है बच्चों। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बच्चों। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन दोनों दूसरे हाइड्रोजन का है बच्चों। और दूसरा होता है जैसे आपका आयनिक बॉन्ड। ओके बच्चों, विच इज फॉर्मड ड्यू टू दी अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में होता है Na+ और Cl- के बीच में। ओके बच्चों, बात करें अगर वैलेंस बॉन्ड की, तो ये कोई बॉन्ड नहीं होता बच्चों, थ्योरी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा बच्चों। एटोमिक बॉन्ड भी कुछ नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है आपका, आयनिक बॉन्ड ही होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका केमिकल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने स्पीशीज को मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके बच्चों, के क्या होंगे इन जनरल बोला है, तो हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड होगा बच्चों। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।